लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में गंगा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रत्येक जनपद में गंगा सफाई समिति के बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम से पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल निगम विभाग के नए प्रशासनिक भवन अमृत वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नदियों का पानी हमारे जल स्तर को बढ़ावा देने और बेहतर कृषि के लिए बेहद ही उपयोगी है, जिसके लिए गंगा सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना जैसी नदियों में 2025 तक नालों के पानी का प्रवाह पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा और गंगा को स्वच्छ किया जाएगा। पच्चीस आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आपने 2019 का कुंभ देखा, एक दिव्य और भव्य कुंभ देखा और पूरी देश के और दुनिया के लोग आए, प्रशंसा करते आए। इस बार भी दिव्य और भव्य कुंभ 2019 से भी अच्छा कुंभ होगा और गंगा जी में और यमुना जी में जितनी भी नदियां हैं 2025 तक ऐसे जितने भी नाले हैं सभी नाले टेप किए जाएंगे, एक भी नाला गंगा जी में यमुना में नहीं गिरेगा। ये लक्ष्य संगठन ने लिया है, जल जीवन मिशन और जल शक्ति विभाग ने लिया है, इसका परिणाम दिखेगा और आज भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय मोदी जी का सपना है, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी का सपना है कि जो लोग भी कुंभ नहाने आवे, स्नान स्वच्छता का विषय था, उस समय में देखे थे स्वच्छता, लोग स्नान करके निकलते थे, 8 बजे तक चड्ढी और पुष्प नहीं रहता। इसी कारण आदरणीय मोदी जी धरती पर उतर कर उन स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का भी काम किया। तो 2025 भी 2019 से अच्छा कुंभ रहेगा, यात्रियों के लिए सुविधाएं भी हर प्रकार की रहेगी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में नहीं होगी।